नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं खबरीवुड। जिनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं उन्हें इसका मतलब पता होगा। अगर आपका घर आउटर एरिया में है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां से आने जाने के साधन में थोड़ी परेशानी है तो बच्चों को स्कूल जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। स्कूल के बस वाले एक दो बच्चे के लिए रास्ता नहीं बदलते और बस के पीछे लिखवाते हैं, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। स्थिति ऐसी है कि बच्चों के एडमिशन के साथ साथ उसी इलाके के आसपास घर भी देखना होता है, जो कि एक समस्या होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के उत्तर के होकाइडो द्वीप पर सिर्फ एक बच्ची को लेने पूरी की पूरी ट्रेन आती है। कुछ समय पहले वहां की सरकार ने, रेलवे विभाग ने तय किया कि शिराताकी गांव के स्टेशन को बंद किया जाएगा क्योंकि वहां से ज़्यादा सवारियां नहीं मिलती हैं। लेकिन तभी पता चला कि एक बच्ची रोज़ाना यहां से स्कूल जाती है। अधिकारियों ने पड़ताल किया तो पता चला कि वहां से आने जाने का कोई और महफूज साधन नहीं है। ऐसे में सरकार ने तय किया कि स्टेशन को चालू रखा जाए। अब रोज़ाना दिन में दो बार ट्रेन आती है और तो और ट्रेन के टाइम को बच्ची के स्कूल के समय के हिसाब से एडजस्ट कर लिया गया है। पूरी ट्रेन में बच्ची के अलावा और कोई दूसरी सवारी नहीं होती। रेलवे विभाग ने यह भी तय किया है कि जब तक बच्ची हाई स्कूल पास नहीं कर जाती तब तक ट्रेन चलती ही रहेगी। आपको भी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज हमेशा देखते रहने के लिए हमारे चैनल खबरीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।